फाजिलका के डीसी कार्यालय के समक्ष किसानों ने अपने गांव की लगभग 2500 एकड़ जमीन बेचने के लिए बैनर लगा दिए और धरना प्रदर्शन करने हेतु मनवर्त पर बैठ गए हैं। फाजिलका फिरोजपुर हाईवे पर फाजिलका के डीसी कार्यालय के समक्ष बैठे इन किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पिछले चार दिनों से दो किसान नेता मनवर्त पर हैं, लेकिन ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी इनकी साथ ले रहा है और ना ही कोई नेता इन किसानों की मांग पर कोई सुनवाई कर रहा है। वहीं किसानों की मांग है कि उन्होंने पिछले कई वर्षों से फसलों को लेकर नहरों में पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही, जिसकी वजह से फसलें और जमीनें खराब होती जा रही हैं। कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और इस बार तो प्रशासन ने हद कर दी। प्रशासन ने कई गाँव में मोगे बंद कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि नहरी पानी बारी बारी से मिलेगा। किसान सरकार और प्रशासन की इस प्रणाली से खफा होकर मनवर्त पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मिलीभगत से किसानों के पानी को रसूखदार लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से आम किसान की स्थिति गिरती जा रही है। वहीं इस बारे में फाजिलका के एसडीएम से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से पानी कम आ रहा है, जिसकी वजह से बारी बारी पानी मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं कई जगह नहरें टूटने के चलते भी पानी कम आ रहा है और जमीनों तक नहीं पहुँच रहा, लेकिन फिर भी प्रशासन अपने स्तर पर किसानों को पानी मुहैया करवाने का प्रयास कर रहा है। सर, साढ़े लगभग 40 साल हो गए पानी नहीं पहुंच रहा, तो असी प्रशासन तो सरकार ने सारे नुमाइंदियां नाल मिल चुके हैं पर साड़ी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। पानी साढ़ा 12 हिस्से है, उस तो सिर्फ दो हिस्से पानी बगता है, वह भी बरसात के टाइम से। बाकी साड़ी फसल है सेम नाले सरकार ने कढ़े सी सेम का पानी कढ़न वास्ते, असी वो सेम का पानी चक के आपकी फसलों ला रहे हैं। उस पानी नाल एक तो साढ़े शरीर में बीमारी लगती है, एक साड़िया फसल बंजर हो रही हैं। पर इन्हों बार बार आख्या कोई सुनवाई नहीं, उस तो बाद इन्होंने असी लिख के भी दिता, अल्टीमेटम भी दिता, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। अज मैनू चौथा दिन हो गया मरनवर ते बैठे रहते हूँ, तो एक साथी होर है उन्होंने कल मरनवर ते बाया, उन्हों का दूजा दिन है। जे साड़ी सुनवाई नहीं होंगी तो असी एक दिन छड़ के दूजा बंदा होर पावांगे। लगातार आ सिस्टम एवें चलना, साड़िया मेन मंगा है एक तो साडा पानी पूरा किया जाए, दूजी मंग है 40 साल का मुआवजा दिता जाए, तीजी है भी जेड़ा भी नुकसान होया है उसकी भरपाई की जाए। असी जी चार दिन तो पानी टेलों से कमाल वाला मैनर जो पूरा ना हो करके चार दिन तो बड़ी अफसोस की गल है। जो नौजवान बच्चे साढ़े इन्ने मजबूर हो गए कि मरण वर्त से बैठे है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। फसलों जीडिया साड़िया गुबारा ही बीजे सिर्फ, वो भी मीह से बीजे, बाकी पानी साढ़े बिल्कुल ही नहीं आ रहा। डेढ़ साल हो गया तो जमें नहीं आ रहा, पिछले लंबे समय तो पानी जरा सा नहीं आ रहा, मगर मुगे टुटे हुए है तो मतलब बुरा हाल है जी नहर का। किन्नी देर इस तरह धरना चलेगा? धरना साडा उन्ना चर चलना, ये संघर्ष है। सरकार को चेतावनी दिने जिन्ना चर साडिया टेलों से पानी पूरा नहीं होंगे उन्ना चर साडा जरा धरना इस तरह चलूगा। पहला एक सीगा साडा नौजवान मुंडा, हुण दो है, इस तो अगे होर तैयार है, उन्ना चर असी धरना लाई रखना जिन्ना चर साडा पूरा पानी हक नहीं मिलता। इन्होंने बहुत असं लारे लै चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, अज 48 घंटे दिने, सू 10 घंटे दे दो, इन्होंने सफाइया कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, साढ़े पानी फिर भी नहीं आ रहा। हूँ कल का पानी फिर छटे है, आने पानी पहुँच गया टैलों पर, केरा पानी गया मुड़ के फिर बंद हो गई। साढ़े को वीडियो आई पी है बिल्कुल बंद पी है, हम सा एक करते कि है सरकार क्यों रखी बैठी है इन्हों घर कल दे 80-80 हज़ार रुपया लख लख रुपया क्यों दिंदी है इन्हों घर बात में सुख नहीं है। इन्ह किसानों की मंग है, खास करके रामकोट के किसान है, इन्हों की मंग है कि साड़ी टेल के उत्ते पानी नहीं आ रहा है। इस संबंध में असी इरीगेशन डिपार्टमेंट के जेडे एक्शन साहब बुलाया, उन्होंने सानू दस्या है कि डैम के पानी घट होने करके जिनी क्यूसक पानी मंजूर होया है उस तो 64-65% पानी घट मिल रहा है। वो जिन्ना पानी मिल रहा है उन्होंने असी कैनाल वाइज रोटेशन वाइज जिन्ना जिन्ना पानी बनता है उन्ना उन्ना ही छड़ रहे हैं। दूसरी इन्हें डिमांड सी कि जेड़ा जेड़े मोगियां का सानू रिकॉर्ड दिता जाए, वो इरीगेशन डिपार्टमेंट को हदायत कर दी गई भी जो एज पर ला रिकॉर्ड असी RTI एक्ट के तहत दे सकते हैं वो इन्हों रिकॉर्ड मुहैया करवाया जाए। तो उस गल की सहमति इन्होंने देती थी, तो पानी भी जोड़ा है रोटेशन वाइज चल रहा है, तो रात पानी इन्होंने छड़िया सीगा, तो अरनी वाले को नहर फिर ब्रीच होने करके वो पानी आ नहीं रहा, तो ब्रीचिंग जो होजूगी क्लब होजूगी प्लग कर देंगे
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਇਹ ਫੇਰ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਕਾਊ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ। ਜਾਗਤੀ ਲਾਈਟ ਕੇ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।